Hey viewers, welcome and welcome back to my channel that is Nia's Vlog, जहाँ हम बात करते हैं beauty, fashion and lifestyle की. So जो मेरा आज का video, it's related to skincare routine. अगर आप ऑफिस गोइंग है, दिन में आउटिंग के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर, या आपका डेली कुछ वर्क है जिसके लिए आपको डेली घर से बाहर निकलना पड़ता है, या टीनेजर्स है जिनको ट्यूशन स्कूल्स के लिए डेली बाहर निकलना पड़ता है, तो जब हम टीनेजर्स होते हैं उस टाइम पे हमको आइडिया ही नहीं होता है कि हम हमारी स्किन की केयर कैसे करें या हमारे स्किन पे ध्यान कैसे रहे. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो हर टीनेजर्स को मस्ट 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 यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन अच्छी एंड ग्लोइंग बनी रहे. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहे, आप लोगों को मिलती रहे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट इट. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज फेस वॉश. आप फेस वॉश कीजिए, बट मेक श्योर कि आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करें. आपकी स्किन अगर ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करें, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग फेस वॉश कीजिए. तो अर्ली मॉर्निंग और मिड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू डू फेस वॉश ट्वाइस इन अ डे. ये कंपल्सरी, ये आपके स्किन केयर में होना चाहिए. जो हम जनरली थक जाते हैं तो इसे अवॉइड कर देते हैं, बट ये मस्ट है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको डेली फॉलो करनी चाहिए. जो सेकंड स्टेप है, बेसिकली इट्स फेस वॉश करके आ जाइए. फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे, लाइक हमारे फेस पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो जो ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है या डर्ट्स वगैरह होते हैं जो फेस पे आके बैठ जाता है, तो वो हमारे पोर्स के अंदर जाके बैठ जाता है, फिर वो ब्लैक हेड से व्हाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपकी जो पोर्स है उसे ब्लॉक कर दीजिए. उसे ब्लॉक करने के लिए आपको यूज करना है कोई टोनर. आप चाहे तो गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी नॉर्मल जो टोनर होगा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं. जैसे मैं अभी गुलाब जल यूज करके बता रही हूँ आपको. इज द सेकेंड स्टेप. टोनर यूज करने के बाद दैट मीन्स आपके पोर्स फिक्स कर दिए आपने. बस उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या पूज किसी भी टाइप को, मॉइस्चराइजर जरूर यूज कीजिए. मेरी स्किन ऑयली है तो मैं पॉन्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. एवरी टाइम आई एम यूजिंग दिस सिंगल मॉइस्चराइजर. तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए. सो मॉइस्चराइज करने के बाद इसको 15 सेकंड आपको ऐसे ही ड्राई छोड़ देना है थोड़ा सा, जिससे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए. तो ये जब तक एब्जॉर्ब होता है तब तक कुछ और बात कर लेते हैं हम. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्किन अगर आपकी ग्लोइंग रखना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. जितने भी जब भी आपको प्यास लग रही है तो मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा ज्यादा ही पानी पिए. 8 to 10 ग्लास वाटर इन अ डे आपको डेली पीना है. तो आप जब खुद ही कोशिश करेंगे कि ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे आपकी स्किन के जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाते हैं. तो आपके जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करती है. तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा पानी पिए दिन भर में, तो उससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा. सो नेक्स्ट इज दैट कि आप जो फोर्थ स्टेप है, इट्स मस्ट कि आप यूज करें सनस्क्रीन. तो मैं लोटस का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ जिसका SPF 50 है. ये आपकी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, सनरेज जो होती है उसे प्रोटेक्ट करता है. तो जो सनबर्न होता है या आपको जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, ब्लैक वो नहीं होता. तो कोशिश कीजिए कि आप एवरी टाइम जब भी घर से निकले तो सनस्क्रीन जरूर लगाए. तो ये मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई करना है आपको. तो मैं लोटस का यूज कर रही हूँ. आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, एज यू कैन सी. तो ये मेरे स्किन को, जब मैं बाहर जाऊंगी या आप लोग भी सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा. सो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है दैट इज कि आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कीजिए. उसके लिए चाहे तो आप कोई लाइट कलर की न्यू लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, या आपके पास जो भी लिप बाम हो वो यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ मेबेलिन की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ जो एक न्यू पिंक कलर है. So, ये 5 ऐसे स्टेप्स है जो एवरी टीनेजर्स को, या अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है तो आप सभी को फॉलो करना चाहिए. इससे आपकी स्किन जो है वो काफी अच्छी रहेगी और हेल्दी बनी रहेगी. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले. तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू, बाय बाय.